तो दोस्तों कट टू फिट मैं खुशामदी इको फोर जीरो वन के सिलसिले का आज पाँचवा लेक्चर होगा इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पर क्या असर आएगा जब अगर डिमांड का शिफ्ट होगी अगर सप्लाई कर शिफ्ट होगी हो या दोनों शिफ्ट होगी उसके अलावा प्राइस सीलिंग की बात होगी प्राइस फ्लोर की बात होगी और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे प्राइस मेकनिज़म को कंट्रोल करती है अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है और वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हैंड आउट चाहिए आपको ये हाईलाइट तो ये भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है वो ज्वाइन कर लें वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो शुरू करते हैं आज की वीडियो देखें ये जो कहानी हमें सुनाना चाह रहा है और हमें वरगला रहा है कि आप ये सारा याद करो ये जो डी एस ये तीर के निशान ये ये क्या चीज़ है ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई ये आपको मैं बताता हूँ क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर नंबर चार में भी आज भी मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है पेपर में सबसे पहले जाके एक रफ़ पेपर लेना है और वहाँ पे एक विलिब्रियम आपने बना लेना है एक डिमांड कर्व आपने ड्रा करनी है और एक आपने सप्लाई कर्व ड्रा करनी है ठीक है ये ग्राफ एक विलिब्रियम का ग्राफ आपने ड्रा कर लेना है जो कि कुछ इस तरह का होगा ठीक है उसके बाद ये आपने ज़रूर कर लेना है अगर ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपको अगर तो ये एम में नहीं पूछा गया तो इन में ज़रूर पूछा जाएगा आपने ड्रा कर लिया अब वो क्या कह रहा है पहली शर्त हम उसकी मानते हैं वो कहता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगी ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना तो ये देखें इसको हम फॉलो करते हैं क्या ये कह रहा है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो राइट साइड पे ठीक है जी ये डिमांड कर्व जनाब मैंने शिफ्ट कर दी है ब्लू वाली राइट साइड पे इसके शिफ्ट करने से पहले इक्विलिब्रियम प्राइस जो थी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम था जहाँ पे ये दोनों कर्व डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कट होती है इसके अगेंस्ट जो प्राइस पे जाऊँगा यहाँ मैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी ठीक है जो कि डोटेड लाइन है जहाँ पे ये मिलती है प्राइस के साथ ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगी ये जो सब्स कलर की लाइन आ रही है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी अब मैंने क्या किया उसने मुझे शर्त दी है कि डिमांड कर को राइट साइड पर शिफ्ट करो डिमांड कर थी यहाँ मैंने राइट साइड पर शिफ्ट की और मुझसे पूछना चाह रहा है कि आप प्राइस बताओ इक्विलिब्रियम और क्वान्टिटी बताओ बता दूंगा मुझे याद करने की क्या जरूरत है बता मैं ऐसे दूंगा कि जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा वो फिर ये बनेगा ठीक है सप्लाई कर तो वही रहेगी इसी सप्लाई कर पे मैं मूव करूँगा और जहाँ पे ये डिमांड कर नहीं डिमांड कर के साथ कट होगी वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा उसको मैं ड्रा करके ले जाऊँगा जनाब प्राइस पे तो ये मेरी आ गई प्राइस और अगर मैं इसको ड्रा करके नीचे क्वान्टिटी पर ले जाऊँ तो ये आ गई मेरी क्वान्टिटी उसके अलावा मुझे पता है कि ओरिजन पर हमेशा वैल्यू ज़ीरो होती है औरिजन से जितना दूर हटूँ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है तो अब देखे यहाँ पे वैल्यू थी मिसाल के तौर पे दस ठीक है और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्राइस की कितनी पंद्रह तो प्राइस क्या हुई बढ़ी है ये प्राइस तीर का निशान ऊपर की तरफ है मतलब प्राइस बढ़ी है यहाँ पर आऊँगा अगर ठीक है तो ये सारे मामलात हैं मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है अब प्राइस हो गया अब हो गया क्वान्टिट्टी पूछना चाह रहा है क्वान्टिटी भी देखें यहाँ कम थी जितना मैं दूर हटूँगा ओरिजिन से यहाँ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ये क्वांटिटी भी पचास हो गई मिसाल के तौर पे ठीक तो क्वांटिटी भी बढ़ गई जब मैंने डिमांड कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई ये मेरी पहली शर्त हो गई पूरी देखिए प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं बस यही काम आपने करना है अब हम बात करेंगे दूसरी शर्त की वो ये कह रहे हैं कि डिमांड कर्व आपने नहीं छेड़नी जबकि सप्लाई कर्व को आपने शिफ्ट करवाना है राइट साइड पर तो ठीक है हम सप्लाई कर्व को राइट साइड पर शिफ्ट करवा देते हैं तो सप्लाई कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट ऐसे ही करवाते हैं अगर मैं सही हूँ तो ये मैंने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवा दिया अब जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो डिमांड कर्व तो वही है देखें डिमांड कर्व अब एक है जबकि सप्लाई कर्व दो हो गई अब उसी डिमांड कर्व पे जो नई सप्लाई कर्व कट होगी जहाँ पे वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे और इस पॉइंट के अगेंस्ट अगर मैं प्राइस की तरफ बढ़ूँ तो ये प्राइस आ जाएगी मुझे मेरे पास और ये क्वांटिटी आ जाएगी अब देखें पहले एक विलिवरीम ये था ये वाला अब इस पर प्राइस ज़्यादा है डॉटेड लाइन जो थी ठीक है और इस पर प्राइस कम है तो बात वाजे हो गई दूसरी ये शर्त देखें प्राइस नीचे की तरफ तीर का निशान है प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी देखें पहले ये क्वांटिटी ये हो गई अब जबकि पहले ये सब्ज़ वाली लाइन थी तो ओरिजिन के जो जितना करीब होगा वो वैल्यू कम होगी ओरिजिन से जितना दूर होगा वो वैल्यू बढ़ेगी तो Uh, जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है बिल्कुल इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी है ये पूरा टेबल आपको बता दिया मैंने उसके बाद ये बता रहा है यही कि जो सैम्बल्स इसने यूज़ किया है कि ये वाला सिंबल जो है राइट साइड से शिफ्ट का है ये जो तीर ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है प्राइस या कोई भी चीज़ बढ़ रही है ये जो सिंबल है ये लेफ़्ट साइड का है शिफ्ट लेफ़्ट का है जबकि ये जो डाउन है सिंबल एरो ये जो है ये सारी ये बस ऐसे ही है याद रख लीजिएगा जबकि ये जो है सिंबल ये वाला ये बता रहा है कि कोई चेंज नहीं है उस मकदार में अच्छा कि ये नोट कह रहा है कि ये आठ जो बनेंगे इनकी ये वजूहत है सबसे पहले बता रहा है वेन एवर द डिमांड कर शिफ्ट न्यू इक्विलिब्रियम इज बाय मूविंग अलोंग द सप्लाई करव बिल्कुल ऐसी ही बात है देखें जब डिमांड कर शिफ्ट होगी डिमांड कर्व कितनी हो जाएगी दो लेकिन सप्लाई कर्व कितनी होगी एक तो सप्लाई कर्व वही होगी जबकि डिमांड कर्व नए नई डिमांड कर्व के जरिए से इक्विलिब्रियम हासिल होगा और उसी सप्लाई कर्व के जरिए मूव करते हुए ठीक है तो दूसरे में ये उसके मुखालिफ कह रहे हैं सप्लाई कर शिफ्ट होगी तो डिमांड कर्व एक विलिबियम एक से होगा जब दोनों मूव करेगी तो फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट वी विल मूव फर्स्ट ऑन डिमांड कर्व एंड देन अलोंग दी सप्लाई करव जब दोनों मूव करेंगी तब क्या करना है पहले डिमांड कर्व के जरिए से मूव करना है फिर सप्लाई कर्व से मूव करना है सही हो गया तो ये सारी वही बातें हैं जो आप कर रहे हैं दी मार्केट फॉर बटर ये भी सारा वही है सेम आपने डिमांड बना लेनी है सप्लाई और डिमांड मतलब इक्विलिब्रियम बना लेना है और उसके बाद यही आपने चीज़ें याद रखनी है द राइज ऑफ प्राइस ऑफ मार्जरीन तो डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी ये जो पहले ये हाँ मैं बता दूँ यह पहले लेक्चर से है और इसमें सब्सटिट्यूट का इफेक्ट है आपने अगर पढ़ा हो और याद हो तो कंप्लीमेंट का इफेक्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा देखिए इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है वो सारी बातें वही बता रहे हैं कि डिमांड अगर बढ़े और सप्लाई कम हो तो वही आपने ग्राफ बना लेना है और ग्राफ बना के और बिल्कुल उसी तरह से आपने बता देना है कि प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी जो भी असर होगा बिल्कुल उसी तरह से ये जो मैंने तरीका बताया बड़ा मज़े का है ये उसके बाद कह रहा है कि एक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है गवर्नमेंट दो तरीके से एक्विलब्रियम को डिटर्मिन कर सकती है एक तो प्राइस सीलिंग के ज़रिए और दूसरा प्राइस फ्लोर के ज़रिए मैं बताता हूँ क्या होते हैं प्राइस सीलिंग क्या होती है मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट बता देती है कि किसी भी चीज़ की मैक्सिमम कीमत इतनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए मिसाल के तौर तो पे मैं मिसाल दूँ कि दवाई अद्वियात की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसकी कीमत इससे ना बढ़े ठीक है ये प्राइस सीलिंग है सीलिंग वही छत को कहते हैं मतलब मैक्सिमम कीमत उससे ज़्यादा उसकी कीमत नहीं हो सकती ये इसका ग्राफ है देखें इक्विलिब्रियम प्राइस ये है पी ई जिसका नाम दिया है ये वाली ये पी ई है हमें पता है कि एक पॉइंट वो होता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मिलती है तो ये पी ई प्राइस है जबकि प्राइस सीलिंग जो तो है वो कम से मैक्सिमम प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं अब मिसाल के तौर तो पे प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है जो कि प्राइस सीलिंग है यहाँ पर ये रही ठीक तो है अब प्राइस सीलिंग पे इस प्राइस पर जो सप्लाई है ये देखिए ये सप्लाई कर्व है मैं इसका कलर चेंज कर दिया अब ये देखें अब इस पे जो सप्लाई है वो कितनी होगी क्यू वन होगी क्वांटिटी वन होगी ठीक है लेकिन प्राइस अ, सीलिंग वाली प्राइस पे कितनी सप्लाई होगी क्यू वन सप्लाई लेकिन अब अगर मैं डिमांड को देखता हूँ डिमांड की लाइन पे यहाँ आ गया ये है डिमांड डिमांड की कर्व से टच होगा डिमांड की कर्व से टच होकर जो क्वान्टिटी आएगी वो क्वान्टिटी डिमांडेड होगी ठीक है तो कोंटिटी कितनी डिमांड कितनी है क्यू क्योंकि जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा मतलब उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं बढ़नी चाहिए तो लोग खरीदना चाहेंगे उसे लेकिन सप्लायर उसे सप्लाई नहीं कर सकेगा तो देखें क्वान अब डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है क्यू फोर और जो सप्लाई है वो कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएँ शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा जब ऐसी सिचुएशन हो जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होती है फिर शॉर्टेज होती है एम में पूछा गया है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से शॉर्टेज होती है तो सीलिंग की वजह से शॉर्टेज होती है ये जो नीचे ग्राफ दिया है इसमें ये सारी यही कहानी सुनाई गई है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये सारा करके उसके बाद है प्राइस फ्लोर अब प्राइस फ्लोर इज़ मिनिमम प्राइस अ गवर्नमेंट सेट्स टू स्पोर्ट्स अ डिज़ायर्ड कमोडिटी और सर्विस इन अ सोसाइटी लाइक वेज रेट फ्लोर से क्या मतलब है कम से कम वैल्यू तो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना ये चाहती कि किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाए जैसे वेज रेट अगर मजदूरी सौ रुपये हो जाए तो आज के दौर में जीना हराम हो जाए तो गवर्नमेंट सेट करती है कि मजदूरी कम से कम पंद्रह सौ हो या जो भी सेट करे वो फ्लोर कहलाती है कम से कम सेट करेगी तो फ्लोर होगा ज़्यादा से ज़्यादा सेट से करेगी किसी भी चीज़ की वैल्यू वो सीलिंग होगी अब देखिए प्राइस फ्लोर के मामले में ये पी ई है इक्विलिब्रियम प्राइस है और जो प्राइस फ्लोर है वो यहाँ पे है इसी तरह बिल्कुल सेम ड्रा करूँगा डिमांड कर्व के साथ ये टच हो रही है तो ये क्या बताएगी मुझे जहाँ पे टच होगी उस वहाँ पे नीचे आके उसकी क्वांटिटी मैं मालूम कर लूँगा क्यू थ्री पे आके टच हो रही है और यही सी प्राइस प्राइस के अगेंस्ट जो सप्लाई है जहाँ पे सप्लाई कर से टच होगी वहाँ पे आके मैं उस सप्लाई की क्वांटिटी निकाल लूँगा जो कि क्यू टू होगी अब देखें आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि डिमांड की क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी है जबकि सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है इतनी ज़्यादा है ठीक है तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन को कहते हैं सरप्लस। तो प्राइस फ्लोर की वजह से सरप्लस होगा और सीलिंग की वजह से शॉर्टेज होगी ये जो नीचे पैराग्राफ है इसमें यही कहानी बताई गई है कि क्यू थ्री होगी या क्यू टू होगी तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी अगला जो टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट एक को कैसे अल्टर करती है दो तरीके हैं टैक्स लगाकर और सब्सिडी देकर देखें जब टैक्स लगाएंगे हम अब मैं मोबाइल बनाने वाली बात ही आ जाती है दोबारा से मैं मोबाइल बनाता हूँ मेरी चीज़ पे टैक्स लगेगा तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि मुझे मोबाइल जो बनाने की कीमत आएगी वो ज़्यादा वो ज़्यादा हो जाएगी बढ़ जाएगी वो तो इस वजह से जो मेरी सप्लाई है वो कम हो जाएगी मैंने पढ़ा है ना रिसोर्स प्राइस अगर बढ़ जाए तो जब ये बढ़ जाएगी तो मेरी सप्लाई कम हो जाएगी सप्लाई कम होगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो भी डिस्टर्ब होगा हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम बना के जो मैंने आपको कहा है उसी तरह से इसके मुखालिफ है सब्सिडी के ज़रिए से सब्सिडी के ज़रिए से ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल बनाना इंतहाई ज़रूरी समझती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कहती है कि हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बनाएं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आए और मुझे गवर्नमेंट पैसे देती है सब्सिडी देती है तो उससे क्या होगा मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी ठीक है तो अब इससे भी एक विलिब्रियम जो है वो अल्टर होगा क्या अल्टर होगा वो आपको खूब अच्छे तरीके से पता है वही करना है आपने ग्राफ ड्रा करना है और आपको पता चल जाएगा प्राइस बढ़ेगी या कम होगी या क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी ठीक है सब्सिडी से होता ये है कि प्राइस जो है आपका अखराजा जो आ रहे होते हैं मोबाइल बनाने में वो कम हो जाते हैं जब वो कम होंगे तो आपकी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी ठीक है सोशल कॉस्ट एक तरह से ऐसी कॉस्ट होती है देखिए मैं अगर मोबाइल बना रहा हूँ मोबाइल बनाने के आ, मरहले में मुख्तलिफ मरहले होते हैं मोबाइल बनाने के दौरान मेरी इंडस्ट्री जो धुआँ खारिज करती है जहरीले कुछ मादे माहौल में ज़ाया करते हैं तो वो धुआँ जब मैं सांस के ज़रिए से लेता हूँ उससे जो मुझे प्रॉब्लम होती है ये सोशल कॉस्ट कहलाती है उसके अलावा मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या कहलाएगी मार्जिनल सोशल कॉस्ट ये होगी पहले मैं सौ यूनिट बना रहा था मोबाइल के तब जो धुआं पैदा हो रहा था वो कम होगा बन नस्बत कि जब मैं 1400 यूनिट बनाऊंगा या 2000 यूनिट बनाऊंगा तो तब ये जो है मुझे सोशल कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी मतलब वो धुआं मुझे ज़्यादा इनहेल करना पड़ेगा उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगे मुझे वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट में आएगी तो ये था आज का अच्छा लेक्चर इस लेक्चर से जो सवाल बन सकते हैं वो एम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है दूसरा यही है कि गवर्नमेंट इक्वेलीब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करती है सब्सिडी के जरिए और टैक्स के ज़रिए और सोशल कॉस्ट की तारीफ पूछी जा सकती है हाँ प्राइस सीलिंग और फ्लोर इंतहाई अहम है ये अच्छे से याद कर दीजिएगा ये था आज का लेक्चर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक लाफिज